ये हमारे ये विरासत आज हम कल दूसरों ने ये लेते आगे निकलेंगे। सर, मैं सर्वप्रथम हमारे प्रधानमंत्री जी और आप सबके सामने मैं एक बात कहना चाहते हैं, जो भी करें आप लोग ये मान के चलिए कि हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। ये संविधान मान लीजिए हमारे लिए गीता, कुरान और बाइबल से कमी नहीं है। ये संविधान जिसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स, हम भी चाहते हैं कि सत्य की मार्ग पर हम आगे निकले और हमारे देश को सारे दुनिया में हम रोशन करें। सर, ये संविधान में ये लिखा गया पहली पन्नों में जिसको हम कहते हैं कि प्रीएम्बल, ये प्रीएम्बल में ये लिखा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। सर, द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू ए सॉवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure to all its citizens justice, justice for what? Social justice, economic and political justice, liberty, liberty for what? Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Sir, ho gaya sir? प्रधानमंत्री जी तो काफी बोले सर, कुछ बोलने दो, आप पर इजाजत दो यहाँ से बैठ के। सर, संविधान पढ़ रहा हूँ ना सर, आप पढ़े संविधान। सर, इक्वालिटी फॉर व्हाट? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी फॉर व्हाट? एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट इन एक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सर, मैंने इसलिए पढ़ा, इसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये नहीं लिखा गया कि ये हिंदू, ये मुसलमान, ये क्रिश्चियन, ये जैन, अलग अलग किसी ने ये प्रस्ताव पारित करते हैं। समग्र मिलके वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब सारे देश की, सारे भारत की, सारे इंडिया की, सारे हिंदुस्तान की, सब मिलके ये शपथ लिए गए थे। सर, हमारे आर्टिकल 395 आर्टिकल इसमें शामिल किए गए थे, उसमें जब पहला आर्टिकल उसमें यही लिखा जाते हैं कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत और इंडिया के बीच कोई अंतर नहीं है, जो भारत होते हैं वो इंडिया है, जो इंडिया होते हैं वो भारत है, हम जबरदस्ती किसी बहाने इसके अंदर दरार पैदा करने की कोई कोशिश ना करे तो बेहतर होगी, क्योंकि कोई किस कुछ कुछ जगह में ये आशंका फैला जाते हैं कि हमारे देश में हिंदुत्व की तो बात हम सुनते ही है लेकिन इसके साथ साथ हिंदुत्व बात भी आ जाएंगे क्या, ये आम लोगों में ये चर्चा है। मैं सबको संज्ञान में ये लाना चाहते हैं क्योंकि ये मुद्दा हमारे देश के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें हमारी संविधान में ये ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेज सब हमारे देश की लैंग्वेज है, तो कोई दरार पैदा करने की कोई कोशिश ना होने ते ना होना होने से बेहतर होगी, ये मैं जरूर आपसे मांग करता हूं। सर, सर्वप्रथम और एक बात कहना चाहते हैं सर, प्रधान